कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। जनाना जनाना है, कुल जनाना नहीं कुल मर्द। तुमको पता है ना, अपने नैनों से तूने न मिलकी मतलब ये हो जा जरा, मतलब ये दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। दूर दूर लोग बाग भी लो दूर।
रंग पात तेरे साथ साथ फिर दर्द ये कभी सहरा कभी सावन बनू रावण जीव मर मर के कभी डाल डाल कभी मात मात कभी दिन है रात कभी दिन दिन है क्या सच क्या माया
तो देखो बंदा मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह, इतना मजा आया। अब दुआ करो पूरे पाकिस्तान में बहुत मजा आया, मतलब बहुत खूबसूरत है पाकिस्तान। डाडो मजो आयो, डाडो मजो आयो, डाडो मजो आयो। ये बोलता ही नहीं भाई। एक हफ्ता हो गया हम बाहर घर से बाहर थे और पूरा तकरीबन पाकिस्तान एक्सप्लोर कर चुके हैं, अभी घर वापसी जा रहे हैं। हमें बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू अली भाई, आई होप कि अगले साल भी फिर से ये प्रोग्राम बनेगा और सारे दोस्त इकट्ठा होकर चलेंगे और इंटरटेन करेंगे। इंशाल्लाह भाई, माशाल्लाह हमारा ये टूर बहुत अच्छा रहा, बहुत कामयाब रहा, बहुत सक्सेसफुल रहा। हम सब ने इंजॉय किया और यकीन करें कि दिल नहीं भरा है अभी भी, पर जाने का टाइम हमारा टिकट बुक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत एक्साइटेड रहा टूर और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आया। मैंने अली से बहुत ज़िद की कि शुक्रान में भाई दो दिन और बढ़ा ले, लेकिन नहीं बढ़ाए और ज़रूरत से ज़्यादा एकदम ऐसा हो गया था कि मैं हिम्मत भी हार गया था, लेकिन फिर अली भाई ने थोड़ी सी बहुत हिम्मत दी, बोला प्रदीप भाई हिम्मत करो, क्योंकि मैंने मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ गया और जो है थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मेरे से चलने में प्रॉब्लम हो रही है। सारे आगे जाकर मैं पूछता लेकिन जब पहुँचे तो सारी थकान अगर भाग गई और इतना मज़ा आया। मैं दूसरे दिन में लिए जिसके अली क्या अपन शुक्रान में वापसी चलेंगे यार, एक दिन अली ने वाला प्रदीप भाई 3 दिन हो गए ऑलरेडी,
अब नहीं चल सकता है, दूसरे पॉइंट दे देंगे ये वो, लेकिन शुक्रान मैंने आइंदा बनाया कि आइंदा सिर्फ शुक्रान और शेर पाएगा रहेगा प्रोग्राम। कबीर भाई सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह जैसे याद देखा बहुत मज़ा आया, आप लोगों ने हमारी तस्वीर तो देखी होंगी, ये 7 दिन का टूर वहाँ पे स्नोफॉल्स मिली हमारे को, 3 से 4 फीट बर्फ़ मिली, ठीक है 4 फीट माशाल्लाह 6 फीट से ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है ओके अल्लाह हाफिज। जवाब के साथ आया था मेरा कज़न अली भाई के साथ, फर्स्ट टाइम टूर है मेरा, बहुत मज़ा आया फर्स्ट जिंदगी का जो मेरा पहला टूर था ऐसा लाजवाब हुआ है। आपसे वादा किया है कि इंशाल्लाह दूसरा टूर होगा मैं आपके साथ होगा, और उनके साथ मेरे को इस चीज़ का एक्सपीरियंस मिला कि यहाँ पे गैदरिंग के हिसाब से कैसे बंदा रहता है चलता फिरता है, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी कहीं निकला ही नहीं था, मेरा ये फर्स्ट टूर था। होटल भी गए, हम मरी भी गए, तो बड़ी गए थे कागान गए शहर और खंडियारी गए, वहाँ सब बहुत बहुत मज़ा आया, सबसे आगे लेकिन टॉप पे मैं था इन सब की हिम्मत बनाने वाला माशाल्लाह। ये बात सच है, ये बात सच है, सबका रास्ता शिवराज ने इसने बनाया है, जमी बर्फ का हटाना ही रास्ता बनाया बनाया कि लोगों को मज़ा आ गया, सबको अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा पाकिस्तान टूर पे फर्स्ट ट्रिप था, ये अनबिलीवेबल था, मेरा एक एक्सपीरियंस ये था कि बस काम को संभालना है नहीं जाना, मगर रियली अब मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मगर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अब हर साल आना है, और स्पेशली शुक्रान बालाकोट शुक्रान के बाद हमने जब हाइकिंग करते हुए हम गए ऊपर सिरी पाए, वहाँ बहुत आउटस्टैंडिंग हमें मौसम मिला, बहुत आउटस्टैंडिंग था, बहुत क्लासिक था, स्पेशली थैंक्स टू अली भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह कराची से लेके हैदराबाद तक रावरपिंडी तक आगे बोलो फिर बताओ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह हमें पाकिस्तान अपने नाम पे बहुत मज़ा आया और इतना मज़ा किया है जैसे मैं जाऊँ, लेकिन दोस्तों के साथ दूसरे दोस्तों के साथ अभी हम लोग गए थे 13 बंदे, बहुत मज़ा आया, इतना मज़ा आया क्या बताएं आपको, तेज थोड़ा और माशाल्लाह श्री पाए गए स्वाद शुक्रान गए उसको सब जगह ऑफर आए, लेकिन इतना मज़ा मैंने कभी नहीं देखा, और इस दोस्तों के साथ किस किसी ने साथ दिया माशाल्लाह सबों ने साथ दिया, कोई खाने पीने की टेंशन नहीं, और इसका क्रेडिट किसको जाता बहुत मजा आया, इसका क्रेडिट भाई की भी बड़ी मेहरबानी है, सब लोगों ने बहुत और वल्ला हबीबी अल्लाह हबीबी पाकिस्तानी को महारा सिरी पाए गए सिरी पाया बहुत मजा आया, बहुत बर्फ़ थी कदम 6-7 फिट बर्फ़ थी, बहुत इंजॉयमेंट करा, ऐसा अली भाई और हमारे सगीर मामू हैं उनका था जो मुझे यहाँ पर लेकर आया, बहुत इंजॉयमेंट करा, बहुत मज़ा करा, बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई और बहुत बहुत शुक्रिया सगीर मामू, अल्लाह हाफिज़। बड़ा मज़ा आया मुझे, मैंने नारायण कागान पिंडी मरी यानी आल चीज़ें मैंने देखी और बड़ा मज़ा आया, मैं एक तरह से इनके साथ घूमने नहीं, मैं एक तरह से जन्नत में आ गया, मैंने वो कुछ देखा जो मैंने अपनी लाइफ में क्या इन्होंने भी अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा घूमते रहे, जो आज हमने देखा इस दिसंबर के मंथ में 2020 में, जहां हम गए जिस जगह गए घूमने वहां हमें बर्फ़ मिली और बर्फ़बारी मिली, लोग लाखों रुपये लगा कर आते हैं इस नेमत से महरूम हो जाते हैं, पर अल्लाह पाक ने हमें पता नहीं इन भाइयों के किसके नसीब से बेशक, ये नेमत और रहमत सुभान अल्लाह। और मैं तो यही कहूँगा कि हमें हर साल नहीं हर महीने आना चाहिए देंगे देखो इंसान दैनिक तौर पे फ्रेश भी हो जाता है, सही बात है, और एक तरह से फैमिली मेंबर बढ़ जाते हैं हमारे, इसको अल्लाह की तरफ से अच्छे दोस्त संगत यारी मिल जाती है, और अच्छे दोस्त मिलना भी एक नेमत है जो आज मेरे को इस ग्रुप के सूरत में मिली, और ग्रुप ताऊ मेरी यही दुआ है अल्लाह पाक हम सब के दिलों में मोहब्बतें रखे, हम सब भाइयों में इत्तेफाक रखे, हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दें, और जरूरी ये नहीं होता कि खून का रिश्ता या हम भाई ही एक दूसरे का साथ दें, अच्छा दोस्त मिलना भी काबिले दीद और काबिले एहतराम, मेरे लिए दुश्मन नहीं है भाई, मेरी यही दुआ होगी अल्लाह ताला से कि हम सब एक होते रहें और आइंदा हर साल वाले से बताया कि हर साल आते रहें। हेलो पुलिस कबीर को ले जाओ।